पर्सन बनसेन की लो की स्ट्रोटियम साल्ट द्वारा प्रदान किया जाने वाला रंग कौन सा होता है? तो ये होता है क्रिम्सन रेड, यानी लाल। अगला प्रश्न है, सोना किसमें घुल जाता है? तो एक्वारिजिया में सोना घुल जाता है। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा खनिज है? तो ये है बॉक्साइट। अगला प्रश्न, बायोडीजल के उत्पादन के लिए किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन का। अगला प्रश्न है, एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है पेपर। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करके हाइड्रोजन बनाती है? तो बिना जल से अभिक्रिया करे कैडियम जो है हाइड्रोजन बनाती है। अगला प्रश्न है, किसमें शीशे की मात्रा अधिक होती है? तो उच्च ऑक्टाइन ईंधन में। अगला प्रश्न है, निलंबन कणों का आकार किसके बीच होता है? तो ये होता है 10^-2 और 10^-4 सेंटीमीटर के मध्य। प्रश्न, पीतल किससे बना होता है? तो ये होता है कॉपर और जिंक का। अगला प्रश्न है, जिन परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की गंध एथेनोइक अम्ल के समान होती है? तो ये होती है सिरके की। अगला प्रश्न है, स्लेज वाटर क्या है? तो ये रसोई से निकलने वाला गंदा पानी। अगला प्रश्न है, अगर पानी से दुर्गंध आती है तो उसमें क्या मिलाकर उस गंध को दूर किया जा सकता है? तो सक्रिय कार्बन मिलाकर उसे दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हीरे चमकते और आकर्षक होते हैं क्योंकि उन पर प्रकाश की घटना कैसी होती है? तो उन पर प्रकाश की घटना बहुआंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जा सकती है? तो ये निकालते हैं मैग्नीशियम। प्रश्न, वाणिज्यक वैसलीन किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु का सबसे प्रचुर अवयव है? तो ये है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कवक कौन सा है? तो ये है खमीर। अगला प्रश्न है, लकड़ी की स्प्रिट है मिथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा वायुमंडल के किन प्रदूषकों के कारण होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों के कारण। अगला प्रश्न, यदि मलज पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता है तो नाइट्रोजन के रूप में क्या होता है? तो ये होते हैं नाइट्रेट्स। अगला प्रश्न, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली एक्रिय गैस कौन सी है? तो ये होती है हीलियम। अगला प्रश्न, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये है आर्गन। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, कौन सा ज्वलनशील भी है और हाइड्रोजन भी एक ज्वलनशील है? अगला प्रश्न, आधुनिक चरम शोधन उद्योग में कौन सी विषैली भारी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्रोमियम। अगला प्रश्न, एथिलीन एक ऐसा अणु है, तो ये कैसा अणु है? ये एक एध्रुवीय अणु है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, रक्त की बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है HCO3 और H2CO3 के कारण। अगला प्रश्न, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन। अगला प्रश्न, जियोलाइट क्या है? तो ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट।